तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग वेक्टर डेटा। तो वेक्टर डेटा में आपका डेटा 3 टाइप का हो सकता है, पॉलीगॉन, लाइंस एंड पॉइंट्स। तो आपको परफॉर्म कैसे करना है ये हम देखते हैं। मुझे पहले ओपन करना है QGIS। अब मुझे नया लेयर क्रिएट करना है, तो मैं क्लिक करूंगी लेयर क्रिएट न्यू शेप फाइल लेयर। ओके, अब ये शेप फाइल मेरा ऐड हो गया। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले मैं पॉलीगॉन क्रिएट करती हूँ। तो सपोज पॉलीगॉन है मेरा गार्डन, तो मैंने फाइल का नेम दे दिया गार्डन। ओके, अब एनकोडिंग सिस्टम आप कोई भी रख सकते हैं, सिस्टम या फिर UTF-8। अब इसका जो ज्योमेट्री होगा वो हो जाएगा पॉलीगॉन। ओके, फिर यहाँ पर रखिए मुझे फील्ड्स क्रिएट करने हैं, तो बाय डिफॉल्ट आईडी फील्ड तो क्रिएट हो गया है। इसमें मुझे और दो फील्ड ऐड कर सकती हूँ, जैसे मैं ऐड कर सकती हूँ नेम ऑफ गार्डन। ओके, तो ये ऐड हो गया, इसका टाइप रखता है टेक्स्ट एड फील्ड लिस्ट, ये फील्ड ऐड हो गया। इसके बाद बाकी जो फील्ड चाहिए वो मैं बाद में भी ऐड कर सकती हूँ, तो मैं इसको ओके करके ये वाला लेयर क्रिएट हो गया। ये देखिए गार्डन का लेयर क्रिएट हो गया। तो इस पे पेंसिल बटन पे क्लिक करना है टॉगल एडिटिंग ऑन। फिर जैसे ये टॉगल एडिटिंग ऑन करेंगे ये क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन का शेप यहाँ पर एड पॉलीगॉन दिखेगा। तो अब मुझे क्या करना है, गार्डन एड करना है, तो मैं यहाँ पर गार्डन एड कर देती हूँ। ये देखिए मेरा पहला गार्डन, इसको राइट क्लिक करना है टू गिव अ नेम, और इसका नेम दे देते हैं गार्डन 1। ओके, फिर मुझे सेकेंड गार्डन क्रिएट करना है, तो मैं इसे क्लिक करके सेकेंड गार्डन क्रिएट कर सकती हूँ यहाँ पर। फिर राइट क्लिक और आईडी दे दिया 2 और नेम दे दिया गार्डन 2, ये भी क्रिएट हो गया। अब मेरा तीसरा गार्डन मैं क्रिएट कर सकती हूँ, तो ये भी क्रिएट हो गया। अब सपोज मुझे 3 गार्डन रखने हैं, तो मेरा ये लेयर कंप्लीट हो गया। अब मुझे दूसरा लेयर ऐड करना है जो कि होगा लाइंस का लेयर, तो मैं क्लिक करूंगी लेयर क्रिएट न्यू शेप फाइल लेयर। ओके, अब मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ रोज, फिर इसका टाइप हो जाएगा लाइन, और इसमें दे देते हैं रोड नेम एंड एड टू फील्ड लिस्ट। अब ये 2 कॉलम्स इसमें भी एड हो गए। अब मैं क्लिक करती हूँ ओके, अब मेरा रोड क्रिएट हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है टॉगल एडिटिंग, जैसे ही टॉगल एडिटिंग पे क्लिक करूंगी यहाँ पर आ जाएगा एड लाइन फीचर। तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पर गार्डन के बीच में लाइन बना सकती हूँ। ये देखिए मैंने रोड बना दिया, ठीक है। फिर ये रोड का नाम दे दिया रोड 1, फिर मैं ओके पर क्लिक करती हूँ। अब मैं यहाँ से दूसरा रोड बना देती हूँ, इसको भी राइट क्लिक करके 2, और इसका नाम दे देती हूँ रोड 2, ये भी ओके हो गया। अब मैं तीसरा रोड भी क्रिएट कर सकती हूँ। ओके, तो अब ये 3 रोड्स क्रिएट हो गए। अब मुझे वापस एक लेयर क्रिएट करना है पॉइंट्स के लिए, तो लेयर क्रिएट न्यू शेप फाइल। ओके, अब मेरा आ गया सपोज शॉप्स, मैंने अब लेयर क्रिएट किया शॉप्स का, सिस्टम पॉइंट्स का हो जाएगा, और मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ शॉप नेम, फिर एड टू फील्ड लिस्ट। अब ये लेयर भी क्रिएट हो गया शॉप, इसमें टॉगल एडिटिंग ऑन करना है, ये शॉप्स के पॉइंट आ गए। अभी सपोज ये गार्डन के पास शॉप है, तो शॉप नंबर 1, शॉप 1। ओके, इसे मैं सेव कर देती हूँ। यहाँ पे सपोज गार्डन के अंदर एक शॉप है 2, और इसका नाम दे देते हैं शॉप 2। ओके, फिर ये गार्डन के अंदर 2 शॉप्स है, तो इसे मैं दे देती हूँ 3, और इसका नाम दे देती हूँ शॉप 3। ओके, अब यहाँ पे शॉप 4 भी है, तो 4, और इसका नाम है शॉप 4। ओके, तो इस तरह से मेरे सारे शॉप्स भी क्रिएट हो गए। तो आई होप आपको 3 टाइप का डेटा टाइप्स कैसे ऐड करना है समझ में आया होगा, पॉइंट, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स। अब इसका फॉर्मेटिंग बचा है, तो हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको लेयर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। ओके, तो आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे टाइप के प्रॉपर्टीज दिखेंगे। यहाँ पर मैं लाइन का थिकनेस, कलर, वो सब हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे रोड किसी और कलर के चाहिए, तो मैं उसका कलर यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। लाइंस, पॉइंट, पॉलीगॉन, जिसका भी आप कलर चाहिए आप चेंज कर सकते हो। अप्लाई करके आपको ओके करना है। अगर आप पॉइंट्स का कोई
टाइप या वैरायटी या डॉट्स में कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप अप्लाई करके यहाँ देखिए टोपो हॉस्पिटल्स, ये भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो। अगर लाइंस का थिकनेस या कुछ चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। मैंने ओके क्लिक कर दिया। फिर मुझे रोड्स गार्डन का कलर चेंज करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगी गार्डन पे, प्रॉपर्टीज में जाके गार्डन का कलर हम ग्रीन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सिंपल ग्रीन फिल करके ओके कर दिया तो अभी गार्डन का कलर ग्रीन हो गया। ऐसे ही मुझे अभी रोड्स के कलर चेंज करने हैं तो राइट क्लिक रोड्स पे राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पर आपको रोड्स का कोई भी कलर चेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दिया। उनके डैश लाइन डॉटेड लाइन जिस भी टाइप का फीचर आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए थोड़े अगर थिक लाइन सेलेक्ट किया, अप्लाई एंड ओके, अब ये रोड का थिकनेस चेंज हो गया। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हम कितने भी टाइप के यहाँ पर लेयर ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे कोई और चीज दिखानी है जैसे हॉस्पिटल्स दिखाने हैं तो मैं वापस क्लिक करूंगी लेयर क्रिएट न्यू शेप फाइल, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी हॉस्पिटल और पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ हॉस्पिटल एंड मैं इसको ऐड कर दूंगी ऐड टू फिल लिस्ट एंड देन ओके। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक और लेयर क्रिएट हो गया। अब मुझे टॉगल एडिटिंग ऑन करना है, फिर ये पॉइंट्स पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पे कहीं पे भी अगर क्लिक करती हूँ तो वहां पर एक एक करके हॉस्पिटल वन क्रिएट हो गया। फिर ऐसे ही मुझे रोड साइड में सपोज हॉस्पिटल टू क्रिएट करना है तो टू हॉस्पिटल टू ओके। तो ये सब मेरे लेयर्स क्रिएट हो गए। अब मुझे क्या करना है, इस सबको सेव करना है तो मैं फाइल सेव सेव एज या सेव आप किसी पे भी क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप कोई भी विन फोल्डर में जाके इसको सेव कर लीजिए। जैसे ये मेरा प्रैक्टिकल वन के अंदर मैं लिखती हूँ प्रैक्टिकल वन ओके, और मैंने इसे सेव कर लिया। सो आई होप कि प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।